अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका शेख उस्मान, और मेरे साथ फिर दोबारा मौजूद है बिलाल अंसारी। ठीक है, मतलब फिर मौजूद हैं बिलाल अंसारी, फिर मौजूद है तो मुलाद है कि ठीक है, शुक्र है भाई। उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, पिछली वीडियो से भी शामिल है सर। और मोहम्मद शरियार। जी मोहम्मद शरियार, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पर आप तुम ग्रेट हो, मेहरबानी ना, तोहफा कबूल करो, मेहरबानी। अच्छा तो दोस्तों, ये मजाक बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है, जिसके डिमांडर का नाम है अमान गुप्ता। तो अमान गुप्ता साहब है, तो इन्होंने इस वीडियो की डिमांड की है। तो आज की वीडियो का टाइटल है, हाउ बिग इज टाटा, हाउ मैनी कंपनी ओन्ड बाय टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, काफ़ी जो जिसकी हमने पहले भी वीडियो में, नहीं वो कोई और थे, वो मेरे ख्याल से मित्तल वाडिया बिजनेस एम्पायर था वो वाला। तो ये रतन टाटा साहब है, ये तो भाई अच्छा उससे भी ऊपर है, ये सब कब अच्छा ये हुआ है, चलो चेक करते हैं क्या। ठीक है, तो बगैर आप लोगों के टाइम जाएगी, चलो चलते हैं आज की वीडियो। अगर नेट वेल्थ के हिसाब से देखें तो सर रतन टाटा दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया का दुनिया का चौथा अमीर तरीन बंदा, 65% जो है डोनेट कर देते हैं। तो जिस वजह से आज भारत की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी सर रतन टाटा नहीं आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप द्वारा ऑपरेशनल 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियां, जिनके बारे में कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें आपको पहले बता दूं कि रेवेन्यू के हिसाब से इस समय टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जिसका रेवेन्यू वर्ष 2019 में लगभग 113 बिलियन यूएस डॉलर था। इस रेवेन्यू में टाटा ग्रुप की टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी कंपनी का सबसे बड़ा योगदान है। टीसीएस आज से 52 साल पहले शुरू हुई थी, जो कि टाटा ग्रुप के बिजनेस लाइन से बिल्कुल अलग थी, लेकिन आज के समय में टीसीएस ही टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। अकेले टीसीएस में इस समय 4.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, और TCS आज के समय भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी है। जबकि जो IT सर्विस कंपनी भारत में इस समय दूसरे नंबर पर आती है यानी कि इंफोसिस, उसकी मार्केट वैल्यू TCS से आधे के बराबर भी नहीं है। आज के समय टाटा ग्रुप टी बिजनेस में यानी कि चाय के व्यापार में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें कि टाटा टी, टाटा कॉफ़ी और UK की सबसे बड़ी टी कंपनी यानी कि टेटले टी शामिल है, जिसे कि टाटा ग्रुप ने सन 2000 में एक्वायर किया था। उसी के साथ साथ टाटा स्टारबक्स इंडिया में भी टाटा ग्रुप के लगभग 50% शेयर मौजूद है। अब बात करते हैं उस बिजनेस की जिसके लिए कि टाटा ग्रुप सबसे अधिक पॉपुलर है, और जो कि टाटा का पेरेंट बिजनेस भी है यानी कि टाटा मोटर्स। इस समय टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसमें मेजरली टाटा मोटर कार्स, टाटा हैवी व्हीकल्स और दूसरी ऐसी बहुत सी कंपनियां शामिल है जिन्हें की टाटा कंपनी ने खरीद रखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्ष 2004 को टाटा ग्रुप ने साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि देवू के कमर्शियल व्हीकल को एक्वायर किया था। 2008 में टाटा ग्रुप ने यूके की दो सबसे बड़ी कंपनियां यानी कि लैंड रोवर और जैगवार को भी एक्वायर किया। वहीं वर्ष 2005 में टाटा ग्रुप ने स्पेन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि स्पेनो में 21% शेयर भी एक्वायर किए थे, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी और टाटा मार्को पोलो भी टाटा की सब्सिडियरी बिजनेस पार्टनर है, जिसमें कि हिताची के रोड कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी मशीनें आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी। और अगर आप ट्रेवलिंग के लिए बसेस इस्तेमाल करते हैं तो आपने टाटा की मार्को पोलो बसेस भी जरूर देखी होगी। टाटा स्टील इस समय दुनिया में 12th लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज के समय में दुनिया के ज्यादातर महाद्वीप में टाटा स्टील की या तो पेरेंट कंपनी मौजूद है या फिर वहां पर किसी अलग स्टील कंपनी को उन्होंने खरीद रखा है, जैसे कि यूके की स्टील कंपनी यानी कि कोरस को टाटा ने वर्ष 2007 में 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था, जो कि उस समय तक किसी भी कंपनी द्वारा की गई सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। उसी तरह से 35,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने भूषण स्टील लिमिटेड को भी 2019 में खरीदा है। अब अगर बात करें टाटा के डेली नीड्स प्रोडक्ट्स की, तो उसमें भी आप सभी लोगों ने टाटा के बहुत से प्रोडक्ट्स जरूर देखे होंगे, जैसा कि टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा मसाले, इवन टाटा मिनरल बॉटल्स भी आप लोगों ने जरूर देखी होगी। वहीं अगर बात करें अब टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की, तो टाटा का वोल्टस रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, ये सभी प्रोडक्ट्स भी आप सभी लोगों ने वोल्टस प्रोडक्ट के अंदर जो है टाटा कंपनी द्वारा ही ओन की जाती है, तो ये सभी प्रोडक्ट भी आपने जरूर देखे होंगे। इतना ही नहीं, भारत में एयरलाइन बिजनेस को भी टाटा कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस किया, और आज के समय में एयर इंडिया, एयर एशिया और सिंगापुर की एयरलाइन यानी कि विस्तारा भी टाटा कंपनी की द्वारा ही ओन की जाती है।
और उसके साथ साथ वर्ष 2007 में टाटा ग्रुप ने यूएसए की बड़ी एविएशन कंपनी यानी कि बोइंग के साथ जॉइंट वेंचर में स्कोरस्काई S-92 जैसे हेलीकॉप्टर भी टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चर करता है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर व्हीकल भी टाटा ग्रुप के ही होते हैं। फिर चाहे वो कॉम्बैट व्हीकल, 4x4 माइन प्रोटेक्टेड हैवी ड्यूटी मिलिट्री ट्रक्स, 6x6 ट्रक्स, उसी के साथ साथ इसी लाइनअप में टाटा का LPDA, टाटा SLV, टाटा MPV जैसे बहुत से डिफेंस व्हीकल टाटा द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इवन ज्वेलरी बिजनेस में भी टाटा का जो तनिष्क कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और उसी के साथ साथ भारत में घड़ी के व्यापार यानी कि वॉच बिजनेस में भी इवन साउथ एशिया में टाटा कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। उसमें की टाटा कंपनी के जो मोस्टली जो पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे कि टाटा टाइटन वॉच, फास्ट ट्रैक वॉच, टाटा सोनाटा वॉचेज एंड टाटा आई प्लस जैसी बहुत सी कंपनियां शामिल है। होटल चेन्स बिजनेस में भी टाटा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दुनिया के तकरीबन 34 से ज़्यादा लोकेशन में इस समय टाटा के 47 से अधिक ताज होटल मौजूद है। उसके साथ साथ सब्सिडरी होटल्स जैसे कि विवांता, ताज हॉलीडेज एंड आमा स्टे जैसे होटल चेन्स को ताज कंपनी ओन करती है। वहीं टाटा की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज में भी आपने बहुत से पॉपुलर नाम सुने होंगे जैसे कि टाटा स्काई और टाटा डोकोमो। ये टाटा की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। एटलीस्ट टाटा स्काई तो आप सभी लोगों ने अपने आस पड़ोस में ज़रूर ही देखी होगी। और आज के समय जो है इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्री के कंबाइंड जितने इम्प्लॉयज़ है उससे ज़्यादा इम्प्लॉय टाटा ग्रुप कंपनी में काम करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं टाटा ग्रुप की हर एक कंपनी के बारे में इस वीडियो में बताऊं तो शायद ये वीडियो एक घंटे से भी लंबी बन सकती है। तो आप सोच सकते हो कि टाटा ग्रुप का एम्पायर कितना बड़ा है। और ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात है कि सर रतन टाटा एक भारतीय है और टाटा ग्रुप एक भारत की बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को टाटा ग्रुप द्वारा ओन की जाने वाली कंपनी के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे जो है फिर दोबारा नॉलेज मिली है। हालांकि मैं रतन टाटा साहब की काफ़ी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दे चुका हूँ लेकिन अभी इस वीडियो को देख के ना मुझे हर बार नॉलेज में इजाफा होता है। दो चीज़ों में फिर दोबारा नॉलेज में इजाफा होता है लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले मोहब्बत जनाजा पढ़ो। जी जनाजा पढ़ो। वीडियो तो पूरी अच्छी थी लेकिन ये भी है कि पहले भी मैं बहुत जैसे उस्मान भाई ने बताया कि पहले भी बहुत देखी हैं, मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन थी लेकिन दो चीज़ों में, एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसमें नहीं था। हाँ। और दूसरा जो गाड़ियों में इनका तकरीबन हर एक चीज़ में इनका बिजनेस है। कोई नहीं, नहीं, एक चीज़ बताओ जो इन्होंने छोड़ दी हो। कोई भी नहीं छोड़ी भाई। तकरीबन स्टील बिजनेस इनका अपने, सब कुछ अपने, कंपनी इनकी अपनी, हर एक चीज़ में इनका काम। अच्छा, उसके बाद दुबई में सबसे ज़्यादा बसेज इनकी हैं। वो भी बिल्कुल बात आपकी ठीक है। और इवन के हिटाची कंपनी ठीक है, वो सबसे बड़ी मतलब कि हैवी इक्विपमेंट जो है ना, हैवी व्हीकल जो रोडे छोड़े बनने में जो काम आती वो भी इनके, उसके शेयर्स भी इनके पास। और दूसरा जो आर्मी वालों की निकाली है एक, हाँ। ये मुझे पसंद है कि खुद ही बनाते हैं और अपने मुल्क के लिए बनाते हैं, मतलब ठीक है वो मतलब कि अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये बाकी आप बताएं, बिलाल भाई को दें। दूसरा मोहब्बत का जनाजा आप पढ़ाएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। नहीं नहीं, बोले बोले भाई, बोले भाई। अच्छा, तो सो गाइस से वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो पिछले कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में भी आई थी इनकी चाय, जैसे टेटली मेरी टेटली पाकिस्तान में आती है चाय। ठीक है, मेरे अब्बा जानी ठीक है हर महीने बाद गए होते हैं इस्लामाबाद मेट्रो सिर्फ टेटली का ठीक है, वो इतना सब पैकेट लेने के लिए वो आती है। आती है नहीं, वैसे आम मार्केट में मैंने नहीं देखी, पहले बहुत आती थी। तो आती थी आम मार्केट में भी लेकिन अब आम मार्केट में नहीं है, लेकिन अब आपको अगर इसको परचेज करना है पड़ता है टेटली की कॉफी। और ये नहीं कि टेटली खाली एक पत्ती है, इसमें काफी सारी वैरायटीज हैं। अच्छा, हाँ, टेस्ट में इसके मतलब के पत्ती की टेस्ट में काफी ज्यादा वैरायटी है। कभी तुम इस्लामाबाद मेट्रो जाई उधर जनाब सब तू जाके देख के परेशान हो जाएगा, पूरा एक स्पेशल है जहाँ पे सिर्फ टेटली के जनाब सब आइटम्स होंगे। अच्छा, टेटली कॉफी भी है उनके, नेस्ले की भी, टेटली की भी। तो फिर चेक करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये मुझे वो देखा जब मैंने टेटली में, याद आया यार पाकिस्तान में भी मैंने दो दफ़ा देखी थी कि टेटली की चाय भी आती है। और दूसरा ये कि ना मिनरल वाटर भी उनका नाम, हाँ ये भी मुझे नॉलेज में इजाफा हुआ है कि उनका नाम मिनरल वाटर है। सो वो एक होता है ना कि जब एक कतरा कतरा करते करते एक दरिया बनता है, तो इसी तरह वो करते 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 एक बहुत बड़ी कंपनी के हर
कि वो गाड़ियों में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद पत्ती में, वो मेरे ख्याल से वो पहले ही थे। नहीं, पत्ती भी पत्ती में बाद में आया। तो इन्होंने सबसे स्टार्टिंग कहाँ से की थी? सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। अच्छा, गाड़ियों से। और जो इसका दूसरा है वो टाटा, जो इन्फोसिस भी कर रहा है काम यार, आईटी कंपनी मेन इनका आईटी का बिजनेस है, मेन जो सबसे बड़ा बिजनेस आईटी का है। तो वो कहते हैं करते 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 उन्होंने पूरा एक अपना जना समंदर एक हो गया, पूरा समंदर बना दिया कतरा कतरा करके। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। काफ़ी फिर मैं कहूँगा, मैं जब भी इनकी वीडियो देखता हूँ कोई ना कोई मेरे ना नॉलेज में इजाफा जो है ना वो होता ही रहता है। तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं लेकिन आई डोंट नो व्हाई इंडिया में ये अंबानी साहब जो है वो नंबर वन पे आते, ये क्यों नहीं आते नंबर वन में? दूसरा एक और चीज़ आपने शायद इसमें नोट की हो या ना की हो, स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि ये अपनी आमदनी का हर साल वहाँ पे बेसिकली साल की आमदनी, जो बड़ी कंपनी होती है ना वो महीने के महीने या वीकली नहीं करते, वो साल का साल करते हैं। तो कहते हैं कि साल में जो इन्होंने कमाया होता है, जो प्रॉफिट होता है इनका बिलियंस में होता है, उसका 65% हिस्सा, 65% हिस्सा वो ऐसे ही मतलब के लोगों को तकसीम कर देते हैं, बाकी उस बेचारे के पास क्या बचना है, उसने जो भी अपना पूरा साल गुजारना वो उसमें गुजारना है। और सुना तो इनके बारे में ये है कि इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। अच्छा, हाँ, ये ऐसा समझ लो कि सलमान खान पार्ट टू है, सलमान खान बॉलीवुड में राजा का राज कर रहे हैं, ये यहाँ पे कम बिजनेस में राज कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि इनके बारे में नॉलेज है और काफ़ी ये सुन के अच्छा लगा कि इनके पास नमक भी है, नमक का नहीं था पता, पानी का नहीं था पता, और इवन कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नहीं था पता। ये देख के काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी अच्छा लगता है कि यार देखो एक बंदा कितनी मेहनत करके उसने इतना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया कि इंडिया की जितनी मर्जी कंपनीज मिल जाएँ उसकी एक कंपनी जो है आईटी वाली टाटा आईटी वही उसका वही बहुत बड़ी कंपनी है। तो मेरे दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, काइंडली उस पर टच कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होगा, प्लीज़ उसको भी टच कर लीजिएगा। जब उसको टच करेंगे उसके साथ आएगा एक बेल का आइकन, उसको भी टच कर दिए, ठीक है। मेहरबानी फरमा के बच्चा कह रहे हो उसको टच कर दें, कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, कमेंट लाजमी दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और बताइएगा कि अगर कोई हमारी गलती है, कोई गुस्ताखी अगर आपसे होगी तो बता दो यार, हम सुधर जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो मैं बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे और दोनों दोस्तों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।